होती है जाने जा के खिलाफ कम, और ये अब एक नया स्तर जो जाने जा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है, जो बल्ले पास है वो अब डिसाइड करके जा जो बोलर है किन बोलर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देना है या उनके खिलाफ आउट नहीं होना, बीच में बाउंसर्स क्यों डालते हैं उसकी वजह ये है, ऑलमोस्ट एक विकेट मिल गया भारत को। ये बाउंसर अच्छा बाउंसर था और ये हाथ में जा सकता था। इसके पहले जो चौका मारा तो कोहली के दाहिने हाथ से निकल गया था पिछले ओवर में, तब वो कह रहे थे रोहित शर्मा को कि मुझे दाहिने तरफ आना चाहिए। कहां गेंद आएगी पता नहीं चलता, पर मुझे लगता है कभी कभी कि जो ये कवर और एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट के फील्डर है ना वो काफी नजदीक आ जाते हैं, बल्ले के नजदीक आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एडजस्ट करना पड़ता है, हाँ मुझे पता है कि मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी है फील्डर है वो बोलते हैं कि एंगल जितना आप कम करेंगे उतना अच्छा है, पर कैच के लिए आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा निकाला है और मैं एक्चुअली इस चीज के बारे में बात कर रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, इस पे दो राय हो सकती है कि बिल्कुल आगे रहे तो एंगल कम हो जाता है लेकिन तेज गेंद आती है, जब आप सिंगल सेविंग हो तो मैं समझ सकता हूँ कि वो आगे है, लेकिन आजकल आखिरी के ओवर्स में भी जो सर्कल के अंदर होते हैं वो बिल्कुल आगे रहते ताकि एंगल कम हो जाए और वो बॉल को रोक सके। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बॉल ऊपर से चली जाती है सर्कल के ऊपर, तो सिंगल बढ़िया, और इसी के साथ अर्धशतक एक बार फिर से रेपुटेशन के अनुकूल प्रदर्शन, मुबारकबाद। और ये खतरनाक हो सकता है भारत के लिए, 27 ओवर समाप्त 131 पे दो। और पूरे छह की प्राप्ति होगी, या बिल्कुल खिंचा हुआ गेंद था जिसको निगाह नहीं हटाई और सीधा खेल दिया। अच्छी गेंद, आगे की तरफ गेंद थी, ये अब सोच विचार है कि किसको कब गेंदबाजी में ला